पैगंबर पर विवादित टिप्पणी का मामला, बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा फिर गिरफ्तार, दो दिन पहले कोर्ट ने दी थी जमानत। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस पार्षद ने बीजेपी पार्षद को जड़ा थप्पड़, नगर निगम में आयोजित हुई सामान्य सभा की बैठक का मामला वीडियो हो रहा वायरल। भोपाल में विश्व सांसद केंद्र में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत हुई पत्रकार वार्ता, अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार ने कही बात, युवा नौकरी देने वाले बने। सरदारपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत छात्राओं को किया गया जागरूक, दसई चौकी प्रभारी ने कही बात, सुरक्षा में आत्मनिर्भरता से हर जंग में मिलेगी विजय। और नरसिंहपुर में एक महिला ने अपने चचेरे देवर पर लगाए आरोप, देवर ने किया एक साल तक दैहिक शोषण, शादी से मना करने पर भाभी ने लिखवाई रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में, मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। चुनाव को लेकर दोनों ही मुख्य दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता में पीसी में बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश की जनता को भय, भ्रष्टाचार और महंगाई से आम जनता को निजात दिलाई जाएगी और सब लोग एकत्रित होके कहीं ना कहीं ये तैयारियों का करा कि स्पष्ट है जनता के मुद्दों के साथ सड़कों पे संघर्ष करेंगे और जनता के मुद्दों को उठा के ये खरीदे हुए जनादेश की भय भूख के भ्रष्टाचार की जो सरकार है इसे हटाने का काम करेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज संगठन को मजबूत बनाने के लिए बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रदेश भर के सभी पदाधिकारी, विधायक सहित जिला अध्यक्ष उपस्थित हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने खबर भारत से एक्सक्लूसिव चर्चा करते हुए कहा कि नगर और ग्रामीण के चुनाव हो चुके हैं, बड़ी एक्सरसाइज से कार्यकर्ता गुजरे हैं जो लगातार जारी रहेगा। इस बैठक का यही मकसद है। कमलनाथ की तीन सर्वे करती है, किसने क्या किया उसी के हिसाब से आज उन्होंने बात कही। 20 दिनों में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात भी कही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, आज संगठन की बड़ी बैठक जो थी वो आज आहूत की गई थी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए कमलनाथ जी के द्वारा? देखिए, आज बड़ी बहुत बड़ी बैठक थी। आज हमारे जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे MLA, हमारे उन जिलों के पर्यवेक्षक और हमारे राष्ट्रीय सचिव भी और वरिष्ठ नेता लोगों की बड़ी महती बैठक थी। असल में सारे चुनाव निपट गए हैं, नगरी चुनाव और ग्रामीण चुनाव दो ही निपट गए और एक लंबी एक्सरसाइज के दौर से गुजरा है हमारा कार्यकर्ता, तो उस एक्सरसाइज की कंटिन्यूटी बनी रहे क्योंकि 2023-2024 हमारे सामने दिख रहा है। इसके साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी आज की मीटिंग में कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा पे निकल रहे हैं 7 तारीख से। यदि अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पाए तो उस पद को लेके बैठने का फायदा क्या? यदि आप पद पे हो तो एक पद को आदमी ईमानदारी से उस पद का कर्तव्य निभा सकता है। इसलिए ये बातें निकली कि एक व्यक्ति एक पद पे जिस पद के निर्वहन की जवाबदारी दिए वो विषय पूरा करेंगे। आप कैंडिडेट सज्जन सिंह वर्मा जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक व्यक्ति एक पद को लेकर के जिस प्रकार से जो बातें कही जा रही है वो बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति को अपने पद का निर्वहन करना होगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ प्रदीप तलैया, खबर भारत, भोपाल। 26 अगस्त को होने वाले मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त के निरीक्षण से पहले झांसी रेल मंडल के DRM आशुतोष कुमार ने गुरुवार को डबरा रेलवे स्टेशन और तीसरी रेल लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान DRM ने डबरा रेलवे स्टेशन पर बनाई गई नवीन 2 मंजिला इमारत का निरीक्षण किया, साथ ही डबरा रेलवे स्टेशन पर संचालित सभी विभागों की कार्यशैली को भी बारीकी से परखा।
छतरपुर में एक छात्र ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में फांसी लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना गुलगंज थाने के अनगौर गांव की है, जहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाले ऋषि बिंदुआ ने ऑनलाइन गेम विंजो खेलने के लिए अपनी बहन से 3,200 रुपए की मांग की थी, लेकिन बहन ने रुपए देने से मना कर दिया, जिससे परेशान होकर ऋषि ने सुबह सुबह अपने कमरे में पंखे से फांसी लगा ली, जिसके बाद परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल गुलगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंतर्गत अनगौर ग्राम में एक बालक की ने कल फांसी लगाई थी, जिसकी आईसीयू में एडमिट कराने के बाद मृत्यु हो गई थी। संबंधित मामले हमने मर कायम कर लिया और वैधानिक जांच की जा रही है। डिंडौरी पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर के सूचना पर घेराबंदी कर जबलपुर अमरकंटक मार्ग में क्रिएटा वाहन से 71 किलो गांजे की तस्करी करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस ने एक क्रिएटा और गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 7,15,000 रुपए बताई जा रही है। पूरी कार्रवाई पर पुलिस के सभी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने इनाम देने की घोषणा की है। की पूछताछ में ये उड़ीसा से इन्होंने बताया है, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए ये गांजा लेके आ रहे थे और इसे उन्हें जबलपुर लेके जाना था। इसका मार्केट वैल्यू कैलकुलेट किए क्या? 71,000। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम अध्यक्ष रिंकू वेज ने नगर निगम अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जबलपुर सांसद राकेश सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान राकेश सिंह ने बताया कि विधिवत पूजन अर्चन के उपरांत रिंकू वेज ने निगम सभापति का पदभार ग्रहण किया है। आज से नगर निगम कार्यालय में बैठकर वो निगम की कार्रवाई संचालित करेंगे। वहीं निगम अध्यक्ष रिंकू ने जबलपुर को स्वच्छ एवं शानदार महानगर बनाने का संकल्प लिया। खरगोन से कसरावत की ओर जा रहा सीमेंट से भरा ट्रॉला स्टेयरिंग जाम होने के कारण अनियंत्रित होकर पुल पर पलट गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं ड्राइवर का कहना है कि स्टेयरिंग जाम होने के कारण स्टेयरिंग काट नहीं पाया, जिसकी वजह से ट्रक पलट गया। अमानगंज तहसील के ग्राम पंचायत मजगवा सरकार में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत थाने से लेकर तहसील और जनपद तक पहुंच गई है। दरअसल कुछ दिन पहले सुमभेर सिंह सहायक सेक्रेटरी पर ग्रामीणों ने कई आरोप लगाए थे। वो मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और शिकायत सामने आ गई। ग्रामीणों का कहना है कि सुमेर सिंह अपने पद का गलत फायदा उठा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज करवा दी है। अब देखना यह है कि जनपद में बैठे अधिकारी और सुमेर सिंह की जीत होगी या ग्रामीणों की। गरियाबंद विकासखंड के ग्राम पंचायत तेंदुबाई के आश्रित ग्राम कोचे मुड़ा में लगभग 12 साल से आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य अधूरा है। वहीं नए भवन के अभाव में वर्तमान में आंगनबाड़ी जर्जर प्राथमिक शाला में संचालित हो रही है, जिन्हें प्राथमिक शाला के शिक्षक ने स्थिति देखकर अतिरिक्त कमरे में संचालित करना शुरू कर दिया है। कोचई मुड़ा के ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच और सचिव को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। संबंध में जनपद पंचायत सीईओ करुण ढहरिया का कहना है कि मामले की जांच के बाद दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्माण कार्य अधूरा है, आंगनबाड़ी नहीं बन पाया, इसके संबंध में विस्तृत जांच करा के जो भी संबंधित है उसके ऊपर कार्यवाही और राशि वसूली की कार्यवाही जो है की जाएगी। जर्जर है तो यहाँ पानी टिपका थे, तो बच्चा माला लेके पढ़ाना भी तो सही है ना सर। सरपंच सचिव को बोले हो काम पे? हाँ बोले हैं ना सर, ग्राम सभा में हम कहते नावा कावर बनाते बनाओ भाई पैसा ही काल के ऐसे बोलते थे, नहीं नावा बनाबो तो नावा बना कहते 12-13 साल बीत गए आज तक ले बनाए। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में गरीबों के हित में फल विक्रेताओं के साथ मंडी प्रशासन द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा
फल विक्रेताओं को संपूर्ण सुख सुविधा के साथ स्थान पर बैठने हेतु आदेश जारी किया गया था और अब उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर आक्रोशित फल विक्रेताओं ने मंडी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर विरोध जताया। संबंधित अधिकारी और जिला प्रशासन शीघ्र ध्यान देने की बात कही है। श्योपुर में भले ही इतनी बरसात ना हुई हो लेकिन बाढ़ आ जाए, लेकिन भोपाल और मालवा एवं राजस्थान में हुई जोरदार बारिश ने श्योपुर को बाढ़ की चपेट में ला दिया है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने चंबल नदी और पार्वती नदी के पास बसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने का भरोसा दिलाया है और बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद की है। ऐसे ही हमको सर्वे में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, स्थिति सामान्य होने तक सब लोग मदद की स्थिति में आए। लोगों का बहुत धन्यवाद, युवाओं का भी बहुत धन्यवाद। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने वाले बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को गुरुवार को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में इससे पहले उन्हें 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि शाम को लोकल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना पुलिस ने राजा सिंह को 41A CRPC के तहत दो अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों में गिरफ्तार किया है। ये मामले फरवरी और अप्रैल 2022 में दर्ज किए गए थे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस पार्षद के बीजेपी पार्षद को थप्पड़ मारने की खबर सामने आई है। दोनों ही नगर निगम में आयोजित हुई सामान्य सभा की बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में चर्चा चल रही थी कि दोनों के बीच में किसी विषय पर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस पार्षद ने गुस्से में बीजेपी कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है। दरअसल महापौर हेमा देशमुख ने सामान्य सभा की बैठक बुलाई थी, जिसमें महापौर नेता प्रतिपक्ष बीजेपी कांग्रेस के पार्षद समेत निर्दलीय पार्षद शामिल हुए थे। शहर विकास के लिए 17 विषयों पर बैठक में चर्चा होनी थी। चर्चा जैसे ही शुरू हुई दोनों दलों के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया और फिर ये घटना हो गई। हमारे देश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। इसके लिए पूरे देश में स्वावलंबी अभियान चलाया जा रहा है। हम देश भर के ऐसे युवा जिनके पास आज ना नौकरी है ना कोई रोजगार, हम उनमें उद्यमिता और कौशल विकास विकसित करेंगे ताकि देश से बेरोजगारी खत्म हो जाए और भारत एक बार फिर समृद्ध देश बन सके। ये बात गुरुवार को विश्व संवाद केंद्र में स्वावलंबी भारत अभियान स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार ने कही। उन्होंने बताया कि यह अभियान 15 अगस्त से जम्मू कश्मीर से झंडा वंदन के बाद प्रारंभ हुआ है और प्रत्येक प्रांत में क्रमशः यह चल रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान 12 जनवरी 2023 को देश के आखिरी छोर कन्याकुमारी में समाप्त होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी सरकार की नीति में बड़ा गड़बड़ है, किंतु कुल मिलाकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर अभी बच गया है, लेकिन जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनमें अभी हमारे को अपने इंपोर्ट और कम करने, एक्सपोर्ट बढ़ाने पर हमारा ट्रेड डेफिसिट ठीक हो जाएगा। एक तो अभियान है, उसकी कोर टीम की बैठक वहीं SIRT में संपन्न हुई और साथ में ही रोजगार सृजन केंद्र का वहां पर उद्घाटन हुआ। तो इसमें सभी वॉलंटियर्स, अभी हम लोग एक काम कर रहे हैं इसमें कि वॉलंटियर्स अधिक से अधिक हमारे साथ में जुड़े, लोग हमारे साथ में काम करें, चूंकि इतना पवित्र और बहुत लार्ज स्केल पर लोगों के लिए काम करेगा तो हमें जिन वॉलंटियर्स की जरूरत है तो हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं।
पीसीसी कार्यालय में संगठन की बैठक हुई जिसमें प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता समेत सभी जिला अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश के सभी जिलों में भ्रष्टाचार की जानकारी निकालेंगे। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से खास बातचीत की खबर भारत के वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने। कांग्रेस संगठन की जो बैठक थी वो समाप्त हो चुकी है और पूर्व मंत्री हमारे साथ कमलेश्वर पटेल मौजूद हैं, उनसे चर्चा करें। सर, महत्वपूर्ण बैठक थी और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश थे वो भी कमलनाथ जी के द्वारा दिए गए। देखिए, बैठक महत्वपूर्ण थी, पार्टी संगठन मजबूती पे भी बात हुई है, नए लोगों को जोड़ने के लिए भी बात हुई है, साथ साथ भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करें, इनकी कुरूतियों को बताएं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे भी चर्चा कर दें, बिजली की समस्या पे भी बात करें, गरीबों को खाद्यान्न समय पे नहीं मिला है इस पे भी चर्चा करें। बहुत सारी समस्याएं हैं, ये भाजपा की सरकार सिर्फ झूठे सपने लगातार दिखा रही है धरातल पे। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, उनके हाथ में सिर्फ झूठ लगा है। तो इन सब बातों को चौपाल लगाकर गांव-गांव जाने की आवश्यकता भी है, जन आंदोलन भी खड़ा करने की आवश्यकता है और संगठन को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। इन सब विषयों पर चर्चा हुई है। 4 तारीख को दिल्ली में महारैली है, वहां भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है, वहां भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, इन सब विषयों पर चर्चा हुई है। लेकिन सर, सबसे बड़ी चीज अगर देखी है तो जहां कांग्रेस एक तरफ आरोप पत्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उसके खुद जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, क्या आरोप पत्र के माध्यम से सरकार की किलेबंदी होगी? स्वाभाविक रूप से पहले भी इस तरह का पार्टी की तरफ से व्यवस्था रही है और जो भी भ्रष्टाचार, जो भी अभी देखिए 350 करोड़ का बांध पहली बारिश में टूट गया, ऐसे कई सड़कें, कई पुल बह गए, बहुत सारे भ्रष्टाचार भाजपा के सरकार में हुए हैं और इन सब भ्रष्टाचार को उजागर करना विपक्ष की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन माननीय गोविंद सिंह जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं वो करेंगे। हम सब भी अपनी अपनी सलाह मशविरा देंगे, हमारे ज़िले में क्या किस तरह से लूट खसोट मची हुई है, सब अपने अपने रीजन का, अपने अगर जो मंत्री थे उनके विभागों में किस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, क्या भाजपा के नेता कहाँ कहाँ लूट खसोट कर रहे हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। और आरोप पत्र तो सरकार के खिलाफ आना ही चाहिए, आईना दिखाने का काम विपक्ष का तो है ही। तो ये थे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना है सरकार को घेरने के लिए हर कदम कांग्रेस उठाएगी और 2023 में लेकर के कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में कांग्रेस बनकर आएगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ प्रदीप, खबर भारत, भोपाल। सरदारपुर में दसई चौकी प्रभारी अशोक कलेश ने कन्याशाला में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत छात्राओं से यातायात नियमों को लेकर विस्तार में चर्चा की। दौरान उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा यदि हमने खुद करनी सीख ली तो निश्चित ही हमें कभी किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। सुरक्षा में यदि हम आत्मनिर्भर हो गए तो निश्चित ही हर जंग में विजय मिलेगी। इस अवसर पर ईश्वर भूरिया, पूनम वसुनिया सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। इसी के परिपालन में आज शासकीय कन्या स्कूल दसई में एक पीरियड बच्चियों का मेरे द्वारा लिया गया। उनको सड़क और वाहनों से सुरक्षा के संबंध में समझाइश दी गई श्रीमान प्रिंसिपल महोदय के साथ में। सर, आपको नाम? अशोक गणेश, पुलिस चौकी प्रभारी दसई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।